हम डिस्कस कर रहे थे द किंग ऑफ फाइटर्स गेम की स्टोरी लाइन के पहले चैप्टर ओरोची सागा को, और ये ओरोची सागा की स्टोरी लाइन का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट वन देखिए, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जिन्होंने पहला पार्ट देखा था उन्हें याद दिलाता चलूं कि पहले पार्ट के एंड में ये हुआ था कि रूकल ओरोची की बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ करते हुए मारा गया था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चलो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ फाइटर्स ओरोची सागा पार्ट टू को। रूकल की डेथ के बाद ग्योनिट्स ने अपनी सारी अटेंशन आयोरी पर शिफ्ट कर दी और मिचोर और वाइस को ऑर्डर दिया कि वो आयोरी को अपकमिंग KOF टूर्नामेंट में ले आए। इसके बाद ग्योनिट्स जाकर क्योकुसानागी को एक फ़ाइट के लिए चैलेंज करता है और क्योकुसानागी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो फाइट हार जाता है। इस हार से क्यो को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और क्यो न्यू फाइटिंग टेक्निक्स इन्वेंट करके किंग ऑफ फाइटर्स 96 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है अपना बदला लेने के लिए। पिछले दो टूर्नामेंट्स की तरह इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का कोई बुरा मकसद नहीं था, बल्कि इसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पॉन्सर किया था और ये एक ग्लोबल इवेंट था। इस टूर्नामेंट की होस्ट थी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन चिज़ुरू कागुरा। चिज़ुरू कागुरा याता फैमिली की करंट लीडर है और माकी कागुरा की जुड़वा बहन भी है जिसको ग्योनिट्स ने मार दिया था। चिज़ुरू ये टूर्नामेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो कुसानागी और यागामी फैमिली के आखिरी दो वारिसों की अटेंशन हासिल कर सके और उनकी मदद लेकर ओरोची की सील को रिपेयर कर सके। हमेशा की तरह क्यो अपने दोस्तों के साथ फाइनल्स तक पहुंचता है और टूर्नामेंट की होस्ट चिज़ुरू कागुरा को हरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जीत को सेलिब्रेट करते वहां एक तूफान आता है और हमें ग्योनिट्स दिखाई देता है। ग्योनिट्स वहां क्यो को ख़त्म करने आया होता है, लेकिन लकीली आयोरी और चिज़ुरू क्यो की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो तीनों अपनी ताकतें मिलाकर ग्योनिट्स को हरा देते हैं। अपनी मौत के डर से ग्योनिट्स मिचोर और वाइस से हेल्प मांगता है, लेकिन वो दोनों उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती हैं। फिर ग्योनिट्स मरने से पहले गुस्से में आकर आयोरी में राइट ऑफ द ब्लड एक्टिवेट कर देता है और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता आयोरी मिचोर और वाइस को बुरी तरीके से मार देता है। प्रीवियस टूर्नामेंट में हुए बुरे इवेंट्स के बावजूद टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल होता है और एक वर्ल्ड वाइड इवेंट बन जाता है। अब अगले टूर्नामेंट को बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस स्पॉन्सर करती हैं और बैटल्स के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में स्टेडियम्स बनाए जाते हैं। सारी ओल्ड और न्यू टीम्स टूर्नामेंट में एंटर होती हैं। क्यों हमेशा की तरह अपने दो भरोसेमंद दोस्तों बेनी मारू और डायमंड के साथ टूर्नामेंट में एंटर होता है।
जबकि टूर्नामेंट की एक्स होस्ट चिज़ुरु कागुरा इस बार वुमेन्स फाइटर टीम के एक मेंबर के तौर पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, जबकि आयुरी आगामी शुरू के मैचेस के दौरान गायब रहता है और सिर्फ दूर दूर से फाइट्स पर नजर रखता है। हमेशा की तरह टीम जापान फिर से फाइनल्स तक पहुंचती है, लेकिन अब आयुरी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो क्यों को चैलेंज करता है, लेकिन अचानक से आयुरी में राइट ऑफ द ब्लड एक्टिवेट हो जाता है और आयुरी अपने खतरनाक रूप के साथ क्यों की टीम को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। एक बहुत ही खतरनाक फाइट के बाद आखिरकार क्यो की टीम आयुरी को हराने में कामयाब हो जाती है। आयुरी की हार के बाद हमें वहाँ न्यू फेसेस टीम के मेंबर्स यशीरो, शर्मी और क्रिस दिखाई देते हैं और वो क्यो को बताते हैं कि वो ओरोची के बाकी बचे हुए तीन हेवनली किंग्स हैं और उन्होंने ही आयुरी में राइट ऑफ द ब्लड एक्टिवेट किया था। बस इतना ही नहीं बल्कि यशीरो क्यो को ये भी बताता है कि उसने ओरोची को आज़ाद करने के लिए टूर्नामेंट के सारे फाइटर्स की एनर्जी स्टोर की है और उन्होंने क्यों की गर्लफ्रेंड यूकी को भी किडनैप कर रखा होता है ताकि वो उसकी बलि देकर ओरोची को आज़ाद करवा सकें। आयुरी को जैसी होश आता है वो क्यों और चिज़ुरु को ज्वाइन करता है और वो तीनों द सेक्रेट ट्रेजर टीम बनाकर यशीरो की टीम को चैलेंज करते हैं। आखिरकार वो लोग यशीरो की टीम को हरा देते हैं, लेकिन इस जीत का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ओरोची ने मटेरियलाइज होने के लिए काफी सारी एनर्जी जमा कर ली होती है और ओरोची मटेरियलाइज होने के लिए क्रिस की बॉडी का इस्तेमाल करता है और यशीरो और शर्मी अपनी जान कुर्बान करके ओरोची को लास्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और अब ओरोची इंसानों को खत्म करने का अपना मिशन दोबारा पूरा करने आता है। लेकिन हमारे तीनों हीरोज ओरोची को भी हरा देते हैं। अब अपनी हार के बाद ओरोची अपना लास्ट मूव इस्तेमाल करता है और आयुरी में राइट ऑफ द ब्लड एक्टिवेट कर देता है, ये सोचकर कि आयुरी क्यो और चिज़ुरु को मार देगा। लेकिन ओरोची आयुरी को अंडर एस्टिमेट करता है। आयुरी ना सिर्फ ओरोची के माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट करता है बल्कि ओरोची की ही दी हुई ताकत को ओरोची के खिलाफ इस्तेमाल करता है और ओरोची को गले से पकड़े रखता है ताकि क्यो और चिज़ुरु को इतना टाइम मिल सके कि वो ओरोची को सील कर सकें। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिना टाइम वेस्ट किए क्यो अपनी सारी एनर्जी जमा करता है और ओरोची को एक डेथ ब्लो देता है। और इसी के साथ वो तीनों वही पास्ट दोहराते हैं जो 1800 साल पहले उनके एंसेस्टर्स ने किया था। ओरोची को डेथ ब्लो देने के लिए क्यो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है जिस वजह से क्यो बेहोश हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक मिस्टीरियस ग्रुप क्यो को किडनैप कर लेता है। ये ग्रुप किसने भेजा था ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।